कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेता जी, हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं। कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहां पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहां इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आपके यहां आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है, और जहां से मैं आती हूं वहां भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेता जी, हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहां पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूं कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए, जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है, उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। तो मेरी बस आप सबसे यही अपील है कि ये जो वक्त है, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये हम पे तरह तरह के जुल्म करके हमें बांटना चाहती है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी, और आप ही जैसे भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने